हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आप उन छोट छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखोगे जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को बेहद इजी और परफेक्ट बनाने में हेल्पफुल साबित होगा तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले सेंटेंस है कोई बुला रहा था कोई बुला रहा था इसे इंग्लिश में बोलेंगे समबड़ी वर्ड कॉलिंग समबड़ी वर्ड कॉलिंग या फिर हम बोलते हैं सम वन कॉलिंग अगर यही सेंटेंस आपको प्रेजेंट में बोलना हो और कुछ इस प्रकार से बोलना हो कि कोई बुला रहा है तो आप बोलेंगे सम बडी इज कॉलिंग समबड़ी इज कॉलिंग या फिर सम वन इज कॉलिंग नेक्स्ट है कोई आ गया था तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सम वन ड्रॉप्ड इन या फिर हम कहेंगे सम वन हैड कम सम वन हैड कम और इसे अगर प्रेजेंट में बोलना हो कुछ इस प्रकार से कि कोई आया है तो उसे आप कहोगे सम वन हैज कम सम वन हैज कम या नेक्स्ट है कोई मिल गया था इसे इंग्लिश में बोलेंगे समवन केम अक्रॉस समवन केम अक्रॉस यहाँ कम अक्रॉस एक फ्रेजर जिसका मतलब होता है अचानक मिल जाना नेक्स्ट है कोई आया हुआ था कोई आया हुआ था इसे बोलेंगे समवन हैड अराइव्ड समवन हैड अराइव्ड नेक्स्ट है कोई तो था तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर मस्ट बी हियर देयर मस्ट बी समर नेक्स्ट कोई नहीं बोला या तो हम बोलेंगे वन no स्पोक या फिर इसको दूसरे तरीके से फ्रेज के रूप में बोलेंगे नो वन ब्रोक द आइस नो वन ब्रोक द आइस ब्रेक द आइस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना नेक्स्ट है कोई नहीं जानता इसे हम बोलेंगे नबडी नोच नबडी नोच कोई मुझे बताएगा तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे विल एनीबडी प्लीज टेल मी विल एनीबडी प्लीज टेल मी नेक्स्ट है कोई है क्या तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इज एनीबडी देयर इज एनी बडी देयर नेक्स्ट हैं कोई ना कोई तो आया था कोई ना कोई तो आया था इसे हम बोलेंगे सम वन और द अदर कम सम और द अदर हैड कम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ टिल देन टेक केयर हैफन थैंक्स फॉर वॉचिंग